नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब सोमवार के लिए, सोमवार कितना हो रहा है 28 दिसंबर 2019 के लिए, मतलब 30 दिसंबर 2019 के लिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोग मैंने चार्ट को एनालिसिस करके दिखाऊंगा, उसके बाद ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, उसके बाद प्रॉबिटी दिखाऊंगा। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर मिल जाए। और मैंने बाय सेल लेवल देता हूँ, बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ, कुछ स्टॉक्स, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और मेरा इनसाइड डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसमें से भी आप लोग को कौन सा सिनेरियो बन रहा है वो दो चार दिखाऊँगा। पूरा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैंने पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें मैंने पूरा फाइल दे देता हूँ, और उसमें आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, कैसे काम कर रहा है। और आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मेरा, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग ताकि ये सब चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है और एडिशनल इंफॉर्मेशन पर बहुत सारा चीज़ मैंने शेयर किया है, उसको वो आप लोग को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, इधर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हूँ, इधर फिबोनाची का लेवल भी मैंने ड्रा किया हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हैं इधर कैसे एक पैटर्न बना है, ऊपर जाके फिर नीचे आने का कोशिश कर रहा है। इधर देखिए, इधर जो है इधर थोड़ा सा इसको फ्लैग पैटर्न लगता है, तो इसके और इधर भी एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। तो देखते, और इधर जो देखिए 38.2% में रिट्रेस होके ये आज फिर से 118 तक बढ़ा, जो 118 तक आया था। तो उसके बाद ये फिर कल का हाई लो ब्रेक करके ये ऊपर गया है 12,297 तक, ये ऊपर चला गया। तो इधर देखना पड़ेगा फिर इसका ये कैंडल जो है, तो इसका ओनर है कि है नहीं है उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसको लगता है ये इसके अंदर ही रिट्रेस करेगा, उसके बाद इसका ऊपर जाने के लिए इसका 300 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद 350 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी लगता है कि ये इसके अंदर ही कंसोलिडेट होगा और इसके अंदर ही रह जाएगा, नीचे आने का चांस, नीचे से फिर से 118 ब्रेक करने के बाद ये 12,203, उसके बाद 12,010, उसके बाद ये 12,860 तक आ सकता है। तो देखते हैं कैसा होता है। और निफ्टी बैंक का मैंने देखता हूँ, निफ्टी बैंक को भी सेम पैटर्न बना के चल रहा है, वो भी 38.2% में रिट्रेस होके 31.963 में रिट्रेस होके फिर से ऊपर गया है, और 38.439 ये पर ऊपर गया। और इसका जो ये 500 ओपन ब्रेक होगा तो ये फिर से ऊपर जा सकता है, 550 या 600 के ऊपर लेवल था, 33,000 के आसपास जाने का कोशिश करेगा। नीचे इसका फिर ये 31,550 ब्रेक करने के बाद, 5,600 ब्रेक करने के बाद ये नीचे आ सकता है, 31,000 तक ये आ सकता है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो इसको और भी अच्छी तरह से पता चला जाएगा। निफ्टी थोड़ा देखिए, पीसीआर रेशियो है 1.50 के ऊपर, 1.52 ऐसा कुछ है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दो इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, कॉल साइड में ये 12,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है,
और ये इट इज शोइंग दैट दो इट इज शोइंग लॉन्ग बिल्डअप इन कॉल साइड एंड पुट साइड इट इज शॉर्ट बिल्डअप but I think that it has the it will consolidate because the PCI ratio has become 1.50 above 1.50 तो मेरे लगता है ये इसके अंदर ही कंसोलिडेट करेगा और रिटेस्ट होगा ये फादर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इसका लगता है कमी है 12,300 के अंदर ही ये रह जाएगा और इस एक्सपायरी में और फादर नीचे भी आ सकता है कभी भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकता है समझ लीजिए 1.7 1.8 1.9 तक गया 12,300 के आसपास जाने के जाते जाते इसका पीसीआर रेशियो ऐसा हो सकता है उसके बाद वो फिर कंसोलिडेट करेगा ही करेगा तो और निफ्टी बैंक निफ्टी का देखना पड़ेगा एक बार बैंक निफ्टी भी पीसीआर रेशियो 1.50 के ऊपर है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका 33,000 में इधर भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है और इधर 32,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप है रेजिस्टेंस है इधर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप है तो इधर आईबीबी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी आईबी बहुत ही नीचे आ गया है इधर ओपन इंटर प्राइस तो बढ़ा है इधर भी प्राइस इधर प्राइस डिक्रीज हुआ है और लेकिन दोनों साइड में ही निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों साइड में ही आईबी बहुत ही गिर चुका है तो इस सतह में ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है इंडिया विक्स दो इंडिया विक्स नेगेटिव दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर जाने का दिख रहा है लेकिन जो ऑप्शन चेंज जो दिख रहा है इसका आईबी इधर थोड़ा सा ऊपर आप लोग कॉल साइड जानते हैं कॉल साइड में या पुट साइड में जब बाइंग हो सकता है या तो आप लोग मतलब आईबी को ज़्यादा होने का ज़रूरत होता है और ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और आईबी और प्राइस का एक रिलेशन है तो इसीलिए आईबी जब कम गिरता है तो ऊपर जाने के लिए ये एक फैक्टर हो सकता है ये ऊपर जाने अभी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम लगता है एटलीस्ट 20 के ऊपर 20-23 के ऊपर 25 के ऊपर होगा तो अच्छा रहता है तो इसका प्रोबेबिलिटी आप लोग देखता है देख सकता है 6 डेज का एक्सपायरी है और 12,100 में इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है 6 डेज का हिसाब से और ये जो अभी करेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है उसका हिसाब से तो और मैंने जो बाय सेल लेवल देता हूँ उसका भी आप लोग परफॉर्मेंस देख ले सकते हैं तब निकलिए अभी धन्यवाद और मैंने बाद में इसका बाइसेल लेवल भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा और बाइसेल लेवल आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा और स्ट्रेटजीज में कुछ सिनेरियो बनेगा तो वो भी जरूर दिखा दूंगा धन्यवाद।